जय श्री गणेश जी, हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, मां लक्ष्मी ज्योतिष आदमी संस्था लव सोल्यूशन में संध्या सक्सेना, संध्या सक्सेना एस्ट्रो इंस्टाग्राम और फेसबुक से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी दालचीनी का एक प्रयोग। एक दालचीनी का तेल आपको बहुत आसानी से मिल जाता है मार्केट में, आयुर्वेद की किसी शॉप से मिल जाएगा, डाबर वगैरह भी रखते हैं। दालचीनी के प्रयोग से आप जो है क्या क्या पा सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं दालचीनी एक औषधि के रूप में हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आप हृदय रोग से पीड़ित हैं, अगर आपका बीपी हाई होता है, लो होता है, अगर आपको हार्ट का कोई भी ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है या कोलेस्ट्रॉल हो गया है, तो दालचीनी को आपको पता है एक छुटकी दालचीनी जो है पानी में डाल के खौला के उसको पीना चाहिए, फायदेमंद करता है। लेकिन दालचीनी का वशीकरण आकर्षण टोटके के रूप में बहुत प्रयोग होता है। आपको एक सरसों के तेल का दिया जलाना है या तिल के तेल का दिया जलाएंगे, उसमें चुटकी भर दालचीनी डालनी है और दालचीनी डाल के उसको जला देना है। कम से कम 15-20 मिनट ये दिया जला रहना चाहिए और उस दिए को जब तक ये दिया जलेगा, आपको जिसको सिद्ध करना हो, काली गौरी नारायणी भगवती पार्वती दुर्गा, जिसमें भी आपकी सबसे ज्यादा विश्वास हो, आप उसके मंत्रों की चैंटिंग कर सकते हैं। ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे बोल सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल सकते हैं, नमः शिवाय बोल सकते हैं। आपको जो भी एक मंत्र आपको अच्छा लगता है आप उस मंत्र को बोल सकते हैं। लेकिन मैंने हमेशा से बोला है कि पूजा पाठ प्रेयर्स तभी सच्चे दिल से काम करते हैं जब आप खुद पॉजिटिव हो और आपके ऊपर नेगेटिविटी का असर कम हो। तो हमेशा से जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको हमेशा बोलना है कि अब मैं बोल रही हूं तो आप भी उसके साथ साथ दोहराइए कि भगवान शिव हमारे साथ है, हमारे साथ है, हमारे साथ है। भगवान शिव मेरा भला करते हैं, मेरा भला करते हैं, मेरा भला करते हैं। भगवान शिव के द्वारा अब अपनी मनोकामना को मन में रखिए। भगवान शिव के द्वारा मेरी मनोकामना पूर्ण हो रही है, मेरी मनोकामना पूर्ण हो रही है, मेरी मनोकामना पूर्ण हो रही है। हे भगवान शिव, इस जन्म में या पूर्व जन्मों में मैंने मेरे पूर्वजों ने जो भी गलतियां या पाप की हो, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। आप भी दोहराइए। इस जन्म में और पूर्व जन्मों में जिन्होंने भी हमारे साथ अच्छा किया हो, उन सबका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद कहते हैं। इस जन्म में पूर्व जन्मों में इस पूरे यूनिवर्स ने जो भी कुछ मुझे और मेरे पूर्वजों को दिया है, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और अब आप अपनी विश को 3 बार दोहराइए या 5 बार, 7 बार कि हे भगवान श्री कृतिमराज, मेरी अमुक इच्छा को पूर्ण करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस पूरे वीडियो के दौरान अब आप उसको सोचते रहिए क्योंकि मुझे तो आगे का आपको उपाय बताना है। तो आपको क्या करना है, दालचीनी लेनी चुटकी भर, उसको तिल के तेल में डाल के अपने आदि इष्ट देव को आपने याद किया, फिर यही सारी लाइन जितना अभी मैंने बोली है ना, धन्यवाद करना, माफ करना, और फिर लगातार अपनी विश को बोल लेंगे। उसके बाद आपको या तो आप शिव जी की कर रहे हैं तो नमः शिवाय का जाप करना है, अगर आप गौरी का कर रहे हैं तो सर्व मंगल मांगल्य शिवे सदा साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते, ऐसा कर सकते हैं। लक्ष्मी जी का कर रहे हैं तो ओम श्रीम लक्ष्मी नमा का कर सकते हैं। विष्णु जी कर रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेव का कर सकते हैं। आपको जिसका अगर वशीकरण का कर रहे हैं, बॉयफ्रेंड, पति पत्नी, गर्लफ्रेंड, कुछ भी वशीकरण का हो, बॉस का, तो कोई भी वशीकरण का मंत्र कर सकते हैं। मैंने वशीकरण के मंत्र भरे पड़े हैं यूट्यूब पे, सब कुछ है। पैसे को आकर्षण करना है तो लक्ष्मी जी का कर सकते हैं या चालीसा पढ़ सकते हैं, स्तुति पढ़ सकते हैं उस देवी देवता की। जब तक दिया जलेगा तब तक आपको करना है, डेली कीजिए, आपको 21 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। होली पे तो करना है, होली है, दिवाली है, दशहरा है, अभी अक्षय तृतीया आएगी, बहुत सारे ऐसे त्योहार आते हैं जिसपे हम कर सकते हैं। दालचीनी जरूर डाल दीजिएगा चुटकी भर, लेकिन असली होनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो 8126476699 पे व्हाट्सएप कीजिए। आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।